सत श्री अकाल पीटीसी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल कावी बब्बर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर दे नाल। सूमी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी बार बार केंद्र सरकार नू भारत सरकार नू भारतीय एंबेसी नू गुहार लगा के थक चुके ने ते हुण उन्हां दे वल्लों एक ऐलान भी कर दिता गया है। यूक्रेन की सूमी यूनिवर्सिटी दे विच फसे भारतीय विद्यार्थियों ने हुण बॉर्डर वल वधना शुरू कर दिता है। बेहद ही माड़े हालात तो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जूझ रहे सन, ना बत्ती ना पानी ना खाण नू कुछ, इन्हां तमाम मुश्किलों तो विद्यार्थी जूझ रहे सन। इस कारण इन्हां दे वल्लों ऐलान कर दिता गया है। भारत सरकार नू चेतावनी दे दित्ती गई है भी कि जे सानू कुछ भी होया तां इस दे लई सिद्धे तौर उत्ते केवल अते केवल भारत सरकार ही जिम्मेवार होवेगी। यह चेतावनी सूमी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की। तां सूमी यूनिवर्सिटी तो वीडियो जारी करके गुहार लगा रहे सन। विद्यार्थी अपील कर रहे सन, गिड़गिड़ा रहे सन कि सानू मदद प्रदान करो, साडा हुक्का पानी पूरी तरह दे नाल बंद हो चुका है, ना खाण नू कुछ है ना पीण नू कुछ है, दो दिनों तो पानी तक नहीं पीता। अजिहां मुश्किलों तो विद्यार्थी हनेरे विच रह रहे सन, इन्हां सब मुश्किलों तो जूझ रहे सन। तो अपील करने के बाद भी कोई मदद नहीं मिली, जिस तो बाद ऐलान कर लिता है ना विद्यार्थियों ने फैसला कर दिता है, एकजुट होकर विद्यार्थियों के वालों ऐलान कर दिता गया कि हुण असी बॉर्डर वल वधना शुरू कर दिता है। अहम ऐलान सूमी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का, नाल इन्हां दे वालों चेतावनी भी दे दी गई है कि हाँ जे सब विचकार सानू किसी नूं भी कुछ होया तो इस लई सीधे तौर उत्ते भारत सरकार ही जिम्मेवार होगी। क्यों? भारत सरकार नूं बहुत बार अपील कर चुके हैं, केंद्र सरकार नाल भारतीय एंबेसी नाल बहुत बार संपर्क करने की कोशिश की थी, पर बावजूद इसके कोई भी हल नहीं निकलिया, कोई भी सिट्टा नहीं निकलिया, जिस कारण हुण ऐलान कर दिता गया है कि हुण बॉर्डर वल सूमी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी अपना पैड़ा तय करेंगे। सूमी बॉर्डर वाल वधना शुरू कर दिता जाएगा। उन्होंने वालों भारत सरकार को चेतावनी भी दे दी गई है। सब विचकार कल सूमी यूनिवर्सिटी से वीडियो जारी करके इन्हों विद्यार्थियों के वालों मदद की मांग की जा रही थी। दो तस्वीर ने एक कल मदद की गुहार जे सूमी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी सन लगाते हुए नजर आ रहे सन कि आखिर किड्डी वड्डी गिणती दे विच विद्यार्थना भी इतने मौजूद ने। लंबे समय तो मदद की गुहार लगा रहे ने, खाण नू कुछ नहीं पीण नू कुछ नहीं, हनेरे विच जिंदगी जीण नू मजबूर ने, बाहर ठंड है तंदर कुछ खाण नू नहीं। तो अजिहां कंप्लेन्स अजिहां मदद दियां गुहार लगाते हुए नजर आ रहे सन। तो दूसरी तस्वीर हुण इन्हां दे वल्लों चेतावनी दे दित्ती गई है कि हुण असी भारत सरकार वल्लों जो वादे तां कीते जांदे ने पर सर लारी ने साडे हथ खड़े हो चुके ने। आपां मुश्किलां तो बहुत लंबे समय तो जूझ रहे हां, पिछले 10 दिनों तो जूझ रहे हैं। तो साफ तौर पर इन्हां दे वल्लों कह दिता गया कि हुण असी बॉर्डर वाल कूच करांगे। We are students of Sumi State University. It's the 10th day of war. Today we got a news that Russia has announced ceasefire to open humanitarian corridor for two cities. One of them is Mariupol, which is 600 kilometers away from Sumi. Since morning we are constantly listening to bombarding, shelling, street fights. We are afraid. We have awaited a lot and we cannot wait anymore. We are risking our life. We are moving towards border. If anything happens to us, all the responsibility will be for government and Indian embassy. If anything happens to us, to anyone, Mission Ganga will be your biggest failure. This is the last video from the Sumi State University students, and we are just risking our life and we are just going to this border which Russia has opened. So this will be our last request and last video, guys. Just pray for us and government, please let you guys know that we are just moving from our own risk. This is our last video.